चाहती हो ना रबी को? तुमसे रबी ने ये सब कुछ कहा है ना? नहीं, मैंने इसकी आंखों में देखा है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। सारा दिन आवारा गर्दी करती रहती है, अय्याशी करती रहती है। अरे गुर, जरा उस पे नजर रखो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको पछताना पड़ जाए। ये क्या बात कर रही हैं आप? अम्मी आप भी ना? तुम्हें समझ भी नहीं आता रबी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एटलीस्ट परीसा कॉल रिसीव करके मेरी बात तो सुन सकती थी तुम। रबी ये मेरा घर नहीं, प्लीज इधर ड्रामा क्रिएट मत कर। अम्मी क्या बात है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? सुबह सुबह कैसी खुशखबरी? ऐसी खुशखबरी है कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने कहा सुबह सुबह ही जाके आपको सुना दूं। तो फिर बेटा जल्दी से बता दो ना। हमारी दुआ का रिश्ता आया है। दुआ का रिश्ता? जरूर गुल ने बताया होगा है ना? जी नहीं, अगर आप नाम सुनेंगी तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। तो फिर बेटा जल्दी बताओ ना। भाई का रिश्ता है। भाई का रिश्ता? कौन सा भाई? परीसा के भाई आली भाई। ये तुमसे किसने कह दिया बेटा? मुझसे खुद परीसा ने दुआ का हाथ मांगा है आली भाई के लिए। सुना तुमने दुआ? आली का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। मुझे आली से शादी नहीं करनी। सुना तुमने क्या कह रही है? ये हमेशा इस तरह की बातें करके मेरी जान जलाती। एक्सक्यूज मी सर, मैं गुल मोटर से आया हूँ। ओ, तो आप गुल मोटर से आए? देखिए मिस्टर, आपके बॉस के साथ मेरा जो टाइम डिसाइड हुआ था वो उस पर नहीं है, और अब आप मुझे डिस्टर्ब करने के लिए लंच टाइम में यहाँ मेरे पास आ गए। एनीवे प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। सर गुल साहब किसी जरूरी काम की वजह से नहीं आ सके, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके बॉस इस डील के बारे में सीरियस नहीं। अरे नहीं सर, जो भी पेपर वर्क होंगे वो मैं कर लूँगा, बस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपने साइन करनी है। मुझे इन पेपर को लेकर कुछ रिजर्वेशन है, आपके बॉस को खुद आना होगा इनके। सर आपकी जो भी रिजर्वेशन होगी वो मैं। आप समझ नहीं रहे, ये डील कोई आम सी डील नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो ही हैज टू बी हियर। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो फिर ये डील कैंसिल समझो। नहीं सर सॉरी, कोई बात नहीं है। अपने बॉस से जाकर कहिए अगर वो ये चाहते हैं कि ये डील फाइनल हो जाए तो वो खुद मेरे पास आए। थैंक यू। थैंक यू सर। पागल हो गई हो दुआ, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम लोगों ने सुना, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। किसी से शादी नहीं करनी? आली भाई एक अच्छे इंसान है, हजारों लड़कियों में से तुम खुशनसीब हो कि उनका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। अगर हजारों लड़कियां हैं तो वो उनमें से किसी एक से शादी कर ले, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा तो शादी नहीं करनी, तो फिर क्या करना है? कुछ भी कर लूंगी, लेकिन किसी के इशारों पर चलने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूं। अम्मी समझाएं इसे कि कौन पट्टियां पढ़ा रहा है तुम्हें। मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि किसी के पट्टी पढ़ाने में आ जाओ, ये मेरी जिंदगी है, जो चाहे वही करूंगी, और मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। देखा आपने किस तरह बदतमीजी करके गई है ये बड़ी है अम्मी, मगर आप समझा लें इसे। बेटा मैं खुद क्या कर सकती हूँ, चिड़चिड़ी हो गई है शादी के नाम से, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है, ये रिश्ता हर हाल में होना चाहिए। या अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर।
कहाँ रखी होगी इसने? बाथरूम में। कहाँ रखी होगी इसने? आज मैं ढूंढ कर ही दम लूंगी। मिल गई? अब वो तो मैं वो तो मैं आपको क्या लगा था मम्मी जी, मैं इतनी बेवकूफ हूं? इतनी कीमती चीज कहीं भी रख दूंगी। आप कहां रखी? याद आया, वो तो मैंने अपने बैंक के लॉकर में रख दी है। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें तो ना। आज मैं वहीं रुक जाए, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करिएगा, वरना वरना क्या क्या कर लोगी तुम? बोलो क्या करोगी? मैं चुटकियों में खेलना जानती हूँ। मैं आपके साथ वो करूंगी कि आप अपना नाम तक भूल जाएंगी। कल की आई हुई लड़की मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती है, तुम्हारा तो मैं आज नामो निशानी मिटा दूंगी। नामो निशान मिटाने वाले जो लोग होते हैं ना मम्मी जी, वो चोरी छुपे सी के कमरे की तलाशी नहीं लिया कर सामने खड़े होके सामने से वार किया करते हैं। उड़ लो, जितना उड़ना है ना तुम्हें उड़ लो, आज तुम्हारा दिन है। एक दिन मैंने तुम्हें अपने पैरों के नीचे ना लिया ना, तो मेरा नाम भी बतूल नहीं, समझी तुम? कह लिया जो कहना था आपने? हाँ कह लिया। अब आप मेरे कमरे से जा सकते हैं और दोबारा यहां आने की हिम्मत मत कीजिएगा। क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? हर काम अगर मुझे ही संभालना है तो तुम लोगों को तनख्वाह किस बात की देता हूं मैं? सर वो क्या सर, एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। सिर्फ साइन करा के आने को कहा था मैंने। सर वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, मैंने उन्हें कन्वेंस करने की बहुत कोशिश की। अच्छा ये कन्विंस करने की कोशिश की बगैर साइन के पेपर्स? सर उन्होंने कहा है कि जब तक आप नहीं आएंगे तो वो डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और सर और सर वो डील कैंसिल भी कर सकते। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, तुम सबके सब निकम्मे हो। सर वो आपके रूम का एसी ठीक हो गया है, चाहे तुम वहां बैठ सकते। अच्छा मैं तुमसे पूछकर बैठूंगा कि मुझे अपने ऑफिस में कहां बैठना है। मैं जाऊं वो भी आली के पास और बैठेंगे भी। अम्मी अगर आप शादी के बारे में बात करने आई हैं तो जिस बारे में कोई बात नहीं करनी। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, मां हूं ना, नहीं रह पाती। मैं महसूस कर रही हूं बेटा कि मेरी औलाद बहुत ज्यादा समझदार हो गई है और अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही कोई भी फैसला करने के लिए।
ये आप गलत समझ रहे हैं। आपका हक है मेरी जिंदगी पर। कहाँ रहा हक बेटा? आज मैंने शिद्दत से महसूस किया है कि मेरा कोई हक नहीं रहा तुम लोगों की जिंदगियों पर। अम्मी, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ ये कहा मुझे शादी नहीं करनी। बेटा, जब तुम दोनों छोटी थी ना और तुम्हारे बाप का साया भी सर पर नहीं था, तो तुम लोगों की बहुत जिम्मेदारी थी मुझ पर। मैं जब बहुत थक जाती थी ना, तो जब मैं तुम लोगों का चेहरा देखती थी तो मुझमें बहुत हिम्मत आती थी और मैं सोचा करती थी कि जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं बहुत सुकून से अपनी बाकी जिंदगी गुजारूंगी। मुझे एहसास है अम्मी इस बात का। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है बेटा। आली बहुत अच्छा लड़का है, उस जैसा लड़का नहीं मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हाँ में या ना में, मुझे मंजूर होगा। मगर एक बात याद रखना, तुम्हारी रुखसती के बाद ही मैं सुकून से मर सकूंगी। हाँ बोलो, काम हो गया? फैजान आरिफ का डिटेल लिया ना तुमने सारा? ठीक है, ए टू जी इंफॉर्मेशन है, छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन ही मिस नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक है, मुझे सारा डेटा भी ईमेल करो। ओके, थैंक यू। जी आप कौन? कौन? अरे सर, आपको क्या जरूरत थी आने की? प्लीज बैठे। आप हमारी कंपनी के डिफॉल्टर लिस्ट में। हाँ, लेकिन मैंने फोन पर बता दिया था कि मैं जल्द ही पेमेंट कर दूंगा। अगर आपने दो दिन में पेमेंट नहीं की तो हमारी कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी और कंपनी आप पे केस करने का जवाब रखती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। एज सून एज पॉसिबल हमारी कंपनी आपके डिफॉल्टर लिस्ट से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आली, भाई नहीं है घर पे। कहाँ गए? पीजान को लेके गए भाई। ठीक है, वो तो उसको बोलना कि मैं आया था। कोई काम था? हाँ, एक जिम्मेदारी सौंपी थी उसने मुझे, बस उसी से बात करनी थी उससे। कौन सी जिम्मेदारी? ये मेरे और आली के दरमियान की बात है। एक सवाल पूछा था मैंने आपसे और मैंने उसका जवाब दे दिया था तुम्हें। और अगर वही सवाल मैं वापस दोहराऊं तो आज भी मेरा जवाब वही है। आलियान साहब का ऑफिस कहाँ पे है? वैसे तो ये ऑफ टाइम है, शायद वो रूम से बाहर आने ही वाले होंगे। मुझे उन्होंने बुलाया नहीं है, मुझे जस्ट उनका ऑफिस बताएं। हेलो आली, मैंने अपने मैनेजर को भेजा था, वो बता रहा था कि तुम मसरूफ थे। मैं भी थोड़ा मसरूफ था, अभी टाइम निकाल कर आया। पेपर वर्क कर लें। इस वक्त तो ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है और मुझे भी कहीं जाना है। कल आ जाओ, कल बात करेंगे। बस सिर्फ दो मिनट लगेंगे आली भाई, उसके बाद ही मैं प्रोसेस में डाल दूंगा। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे जल्दी है, बस टाइम नहीं है।
शाम में मिलते हैं, चाय भी पियेंगे और इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ऑफिस लॉक करके अगर कोई कॉल आ जाए तो कहना है कि आली साहब मौजूद हैं। ठीक है जी सर, बाय। सॉरी अम्मी, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोचा। जाने अनजाने में मैंने बहुत दुख दिया ना आपको। नहीं मेरी बच्ची, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी खुशी के बारे में। आपकी खुशी के बारे में तो सोचा ही नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी, आपने तो हमेशा हमारी खुशी का ही सोचा, हमारी हर खुशी में आपने हमारा साथ दिया। अगर मैं आपकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर पाई, प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दो। ठीक है बेटा, अब जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। जिसमें आप खुश उसी में मैं भी खुश। अस्सलाम वालेकुम आली। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। मीर कहाँ है? मीर सो रहा है। आप ये बताएंगे चाय पियेंगे या कॉफी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। परीसा ने बताया तुम घर आए थे। जी, आपने जो जिम्मेदारी दी थी मुझे उसी के मुतालिक बात करने आया था। कैसा लड़का है? हाँ, मैंने उसके बैकग्राउंड और माजी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। अच्छा, क्या पता चला उसके बारे में? यही कि फैजान परीसा के लिए बहुत अच्छा शौहर साबित होगा, बहुत अच्छा लड़का है वो। सच? इसका मतलब है मुझे फौरन परीसा से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया तुमने। बस अब जल्दी से शादी की तैयारी करता हूँ। परीसा मान जाए तो फौरन उनकी शादी कर लूंगा। थैंक यू रवि, चलता हूँ। जाने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है, और जानती हो रवि को भी बहुत पसंद है। फैजान नाम है उसका। आपको क्या जरूरत है अभी गुल से मशवरा करने की? बेटा, इसमें मशवरे की क्या बात है, गुल उस घर का फर्द है, उससे बात करना जरूरी था।
वो आपकी बात ठीक है अम्मी, लेकिन अभी नहीं। रब्बी का आखिर मेरे रिश्ते से क्या ताल्लुक है भाई? गुड़िया से ये जिम्मेदारी मैंने सौंपी थी। वो लड़का जिसका रिश्ता है तुम्हारे लिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ ले, ताकि हमें पता चल सके वो लोग कैसे हैं। जैसे